अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में जैन ज्वेलर्स की दुकान पर बड़ी चोरी की वारदात। स्कॉर्पियो गाड़ी में हथियारों के साथ पहुंचे थे सात चोर। जैन ज्वेलर्स की दुकान से करीब 30 लाख रुपए का सोना चोरी कर ले गए चोर। भोपाल पुलिस की गश्त पर अब उठ रहे हैं सवाल। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लगातार भोपाल में लूट डकैती जैसी वारदात बढ़ती हुई। वहीं अबीबगंज, गोविंदपुरा और बाग सेवनिया में भी हो रही है ये बीते दिनों लूट। और स्वतंत्रता दिवस पर खजूरी सड़क थाना क्षेत्र के दो मंदिरों में भी टूटे ताले। पुलिस को बदमाशों के गुना में होने की जानकारी मिली। गाड़ी के नंबर के आधार पर गुना में होने की मिली जानकारी। भोपाल पुलिस टीम गुना के लिए हुई रवाना। सर कितने लोग थे? 5-6 लोग। यहाँ पे कितना दर्दी जो है, कितना माल था? वो तो चेक करके बताता हूँ, अभी तक रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। सर किस प्रकार कार्रवाई कर रही है पुलिस? पुलिस अच्छी कर रही है, FIR लिखा ली है, पूरी सर्चिंग चल रही है। सर नाम बता दीजिए। विकास सर। कैसी पूरी घटना है, कैसे पुलिस को सूचना मिली? रात्रि में 2:30 से 3 बजे करीब पुलिस को सूचना मिलती कि डी सेक्टर में विकास जैन जी की एक ज्वेलरी की शॉप है, जहाँ पर 4-5 लोग शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और कुछ सोने चांदी के जेवर वगैरह चुरा कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और जो आरोपी लोग भागे उनकी रास्ते पर जब नाकाबंदी करी तो एक स्कॉर्पियो जैसा कोई वाहन उसमें नजर आया। इसमें 5 से 6 लोग सवार नजर आए और उनको काफ़ी फॉलो करने का प्रयास किया गया, किंतु अंधेरे का फायदा लेकर वो चुराया हुआ सामान लेकर आया। कितने की कुछ बताई गई है फरियादी की तरफ से? और फरियादी के द्वारा अभी इनिशियली 1 से 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी होना बताया है और कुछ सोने के जो रिपेयरिंग वर्ग के जो सोने के आभूषण जो उनके दुकान में आते हैं उनको वो चेक करके बताने का। आसपास की CCTV वगैरह ऐसे निगरानी विभाग को भी? हाँ, पुलिस काम कर रही है इसमें, लगभग 3 से 4 टीम लोगों ने गठित करी है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में और लगातार पुलिस इसमें कुछ लीड्स भी ले रही है और जाँच जा रही है। ठीक।